जिला माइनिंग अधिकारी ने नर्मदा घाट पर दी दबिश, नर्मदा किनारे के खुफिया रास्ते किए बंद। निमाड़ क्षेत्र में नर्मदा किनारे होने वाले अवैध रेत उत्खनन की रोकथाम को लेकर जिला माइनिंग अधिकारी सावन सिंह चौहान ने कमर कस ली है, जिसके चलते लगातार अवैध रेत के उत्खनन और परिवहन को उनके द्वारा इन कार्यवाहियों में अब नवघाट खेड़ी स्थित नर्मदा नदी का किनारा भी शामिल हो चुका है। दरअसल खरगोन जिले के बड़वा के समीप ग्राम पंचायत नवघाट खेड़ी स्थित नर्मदा किनारे होने वाले अवैध रेत उत्खनन को लेकर काफी दिनों से अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे माइनिंग अधिकारी श्री चौहान ने नर्मदा पर बने एक्वाडक्ट पुल के नीचे दबिश दी। इस दौरान उनके साथ SDM एस क्लेश और जनपद SGO रोहित पचौरी भी मौजूद थे। इस दौरान अधिकारियों ने घाट पर रेत छान रहे कुछ मजदूरों से अवैध उत्खनन की जानकारी लेकर उनके गेती फावड़े और रेत छानने का छलना भी जब्त किया, जबकि नर्मदा किनारे से निकलने वाले करीब 3 से 4 रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे करवाकर रास्ता बंद कर दिया। बता दें कि मजदूरों ने अधिकारियों से शिकायत करते हुए किसी पत्रकार द्वारा पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। इस बात पर SGM श्री क्लेश ने कहा कि जांच कर कार्रवाई करेंगे। एक्वाडक्ट के दोनों तरफ निरंतर रेती के अवैध उत्खनन की शिकायतें आ रही थी। हम लोग निरंतर यहाँ विजिट भी कर रहे थे, लेकिन आज कुछ मजदूर के द्वारा खनन करते हुए वो पाए गए, तो उनके रेत छानने की छन्ना और गेती फावड़े और टगारियां जब्त की है। सर, मजदूरों ने कोई शिकायत की आपका? मजदूरों की शिकायत ये थी कि उनको कोई बड़वा शहर के कोई मीडिया कोई शर्मा जी का नाम लिया है और उनसे पैसे की मांग की, ऐसा कहना है। तो वो आवेदन आया है मेरे पास, वो जांच कराएंगे, अगर जांच सही पाई गई तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ये एक्वाडक्ट पे काफ़ी समय से बार बार शिकायतें आ रही थी। यहाँ पर रात में यहाँ पर खनन हो रहा है, दिन में खनन हो रहा है, दिनों से खनन हो रहा है। हम लोगों ने काफ़ी बार बार यहाँ पर दबिशें दी है, पर कुछ यहाँ पर ट्रैक्टर और कुछ ऐसे चलते रहते हैं, पर पकड़ने में वो तकलीफें आ रही थी। तो अब आज हम लोगों ने SDM साहब के और मतलब माइनिंग ने साथ में संयुक्त रूप से कार्रवाई ली है और हम लोगों ने जो ट्रैक्टर जहाँ से अवैध उत्खनन के लिए जो रास्ते उन सभी को हम लोगों ने पूरा तोड़ कर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, ताकि अब अगली बार से ट्रैक्टर और इनकी गाड़ियां यहां पर वाहन या आए नहीं। और इसको हम सतत मॉनिटरिंग करेंगे और इनको अब यहां पर माफियाओं को, रेत माफियाओं को पनपने नहीं देंगे। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ बड़वा। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज़ निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।